दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर. सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है. एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है. एंड इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट्स नॉट अ फ्यू मंथ्स अफेयर. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं. पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है. सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं, असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है. यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं. अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर, मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग. एंड द स्लोएस्ट लायन has to run minimum faster than the slowest gazelle that is deer to see the evening, वरना वो भूखा मर जाएगा. ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं, आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी सूर्योदय हुआ दौड़ना तो पड़ता है. हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती. इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है. तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स. मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं. और हम जो ये हैं, पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां हैं वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे. और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देरी तक कुछ करते रहना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना. आई हैव रेड मोर देन 500 बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज इन माई लाइफ, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू विंस्टन चर्चिल टू अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू सचिन तेंदुलकर, एवरीबॉडी. द वन कॉमन पॉइंट ऑफ मेनी दैट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड हियर इज, एस्पेशली जब ये बात हो रही है, They all were early risers. ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज बड़े लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है, रात को देरी से सोते और सुबह देरी से उठते हैं. लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट. ट्राई करना. तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद. तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है.
तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई, सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। उन्होंने कहा कि इफ आई डोंट प्रैक्टिस 500 बॉल्स इन द मॉर्निंग, आई कैन सी अ स्मॉल चेंज, अ स्मॉल नेगेटिव चेंज इन मी द सेम डे। उन्होंने यह बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है वहां पहुंचना कठिन, वह एक पूर्ण विराम आ जाता है। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे लोग बोलते हैं, वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते हैं। अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम आप हम कोई हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, और सुबह में सोशल मीडिया खोल लेते हैं, 5 बजे उठते हैं सबसे पहला काम ये करते हैं व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्या है कुछ है, और फिर आनंद में आ जाते हैं, 70 चैट्स और 90 मैसेजेस, वेरी गुड, आई एम लाइक बाय पीपल। आप खोलेंगे तो 90% तो वो गुलाब के फूल होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, चमेली के होंगे, और आप किसी को सेंड कर देंगे, घूमते घूमते 3 दिन में वापस आ जाते हैं। और कहीं दोपहर के वक्त अगर कोई वो चेन में वो पूरे, यहां मुझे बताएगा चेन ग्रुप है, तो चेन में घूमते घूमते अगर किसी ने दोपहर में फ्री है तो कुछ क्रॉप कर दिया, एक फूल निकाल दिया, तो वो 3 वाली था वो 2 वाला आ गया, लेकिन आ जाता है 3 दिन के बाद। कहने की बात यह है कि वेन यू डिसाइडेड अपॉन अ गोल, एक मतलब आपने एक बात तैयार कर दी जीवन में, आपने एक निश्चय कर लिया जीवन में, तो फिर उसके प्रति एक केंद्रित विचार, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा रहता है। रिमेंबर लॉन्ग फेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड्स एट नाइट। महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं बहुत पुरुषार्थ किया है, आसानी से कोई बात नहीं मिलती, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं, तो ये तैयारी रखनी चाहिए और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है। यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है, और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र। सो दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी, टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से, इट ट्रेवल्स अबाउट 186,000 miles per second, ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी है। The first he writes that 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम ये बात लिखते हैं, determination जो हम बात कर रहे हैं, एक तैयार करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, determination in life. दूसरी बात लिखते हैं intense hard work, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं एक अभिगम की दृष्टि से, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में और मैंने अप्लाई भी किए। डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड
acceptance of the ideas of others that create a big success in life. तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है. यू बिकम अ मिलियनेयर यूथ. मैं आपको मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई, ही वॉज अ वन मैन ऑर्गेनाइजेशन.